जगह कुर्सी में नहीं होती है मेरी जान, और इस वक्त जो कुर्सी पे बैठा है वो पावर हाउस है। जहां थालापति विजय सर की फिल्म वरिसु बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ थाला अजित कुमार की थिनू ने भी शानदार कमाई कर ली है। वहीं रवि तेजा और चिरंजीवी की फिल्म वाल्टेर विरैया ने भी काफी बढ़िया कमाई कर ली है। लेकिन दोस्तों यहां पर सरप्राइज कर रही है शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसे रिलीज होने में अभी भी 9 दिन का समय बाकी है, लेकिन इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरा सिम्हा रेड्डी के 5 दिनों के कलेक्शन के बारे में, वरिसु फिल्म के 6 दिनों के डिटेल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वही थाला अजीत की फिल्म थिनू के भी 6 दिनों के कलेक्शन के बारे में, रवि तेजा और चिरंजीवी की वाल्टेर विरैया के 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में, और शाहरुख खान की पठान फिल्म के ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें तेलुगु फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है गोपीचंद मालिनेनी ने, और इस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं नंदमुरी बालाकृष्णा और उनके साथ है श्रुति हसन। 70 करोड़ के बजट में बनी फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी को बॉक्स ऑफिस पर आज पूरे हो चुके हैं 5 दिन, और फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों में बंपर कमाई कर ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वीरा सिम्हा रेड्डी ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 54 करोड़ का किया था, वही 4 दिनों के वीकेंड में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 104 करोड़ रुपए हो चुका था। वही दोस्तों ये फिल्म आज यानी कि अपने 5वें दिन इंडिया से कलेक्शन 7 करोड़ का कर पाई, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10 करोड़ रुपए का रहा। इसी के साथ दोस्तों वीरा सिम्हा रेड्डी का शुरुआती 5 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 114 करोड़ का। बता दें दोस्तों वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन अब अगर बात करें फिल्म थिनू के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है एच विनोद ने, और इस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं थाला अजीत कुमार और उनके साथ है मंजू वारियर। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 6 दिन। थिनू फिल्म को तमिल, तेलुगु और मलयालम 3 भाषाओं में रिलीज किया था, और फिल्म दुनिया भर में 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों थाला अजीत कुमार की फिल्म थिनू ने शुरुआती 6 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 78 करोड़ 78 करोड़ का किया, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 92 करोड़ यानी कि 92 करोड़ रुपए, वही थिनू फिल्म का ओवरसीज मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्शन 38 करोड़ रुपए का रहा। इसी के साथ दोस्तों थिनू फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्शन 130 करोड़ का किया है। जी हाँ दोस्तों 6 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से 130 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है। वहीं अब अगर बात करें फिल्म वाल्टेर विरैया के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर बॉबी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके साथ नजर आ रहे हैं रवि तेजा। बताना चाहेंगे दोस्तों वाल्टेर विरैया एक मास मसाला एक्शन फिल्म है, जिसे तेलुगु ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया, लेकिन फिल्म को हिंदी में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो वाल्टेर विरैया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 4 दिन। इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट से 47 करोड़ के कलेक्शन किए थे, वही दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 108 करोड़ का कर लिया था। बात करें इस फिल्म के 4थे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर वाल्टेर विरैया फिल्म अपने 4थे दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 17 करोड़ का कर चुकी है, यानी कि दोस्तों वाल्टेर विरैया फिल्म का शुरुआती 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन 125 करोड़ का हो चुका है। फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, जिसके चलते ये फिल्म अगले हफ्ते में भी धूम मचा सकती है, और फिल्म का फाइनल कलेक्शन 200 करोड़ तक के जाने की उम्मीद है। वही अब अगर बात करें थालापति विजय सर की फिल्म वरिसु के बारे में, जिसे रिलीज किया गया था तमिल, तेलुगु और हिंदी, दोस्तों फिल्म ने सभी भाषाओं से ताबड़तोड़
कमाई की और हिंदी में भी फिल्म ने बिना प्रमोशन के काफी अच्छा कलेक्शन कर लिया है। और इस हफ्ते जितनी भी बॉलीवुड और साउथ की फिल्में रिलीज हुई थी उन सभी से ज्यादा कलेक्शन वरीसू फिल्म का रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि बॉक्स ऑफिस के असली किंग अगर साउथ इंडिया में इस हफ्ते कोई रहे तो वो थे थालापति विजय। जी हाँ दोस्तों, लगभग 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्म वरीसू ने अपने शुरुआती 5 दिनों में तमिलनाडु से ग्रोस कलेक्शन 65 करोड़ का किया, वही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ग्रोस कलेक्शन 11 करोड़ 95 लाख रुपए का, कर्नाटका से फिल्म का 5 दिनों का ग्रोस कलेक्शन 9 करोड़ 50 लाख रुपए रहा, वही 5 दिनों में केरला से भी फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन 9 करोड़ 50 लाख रुपए का ही किया। वही दोस्तों वरीसू फिल्म ने अभी तक हिंदी मार्केट यानी कि नॉर्थ इंडिया से 4 करोड़ 60 लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया था। यानी कि दोस्तों शुरुआती 5 दिनों के अंदर वरीसू फिल्म का ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका था 100 करोड़ 55 लाख रुपए का। वही 5 दिनों में फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 49 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। यानी कि दोस्तों इस फिल्म ने कल तक मतलब कि 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 150 करोड़ 30 लाख रुपए का कर लिया था। बात करें वरीसू फिल्म के आज यानी कि छठे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर वरीसू फिल्म अपने छठे दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 20 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों वरीसू फिल्म का शुरुआती 6 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है 170 करोड़ का। जी हां दोस्तों, 6 दिनों में वरीसू फिल्म का अपडेटेड वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 170 करोड़ का हो रहा है। बताना चाहेंगे दोस्तों इस फिल्म को भी काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलने वाली और फिल्म का फाइनल कलेक्शन मिनिमम 250 से 300 करोड़ रुपए तक रह सकता है। तो बात करें 2023 की पहली बड़ी बॉलीवुड फिल्म पठान के बारे में, जिस फिल्म में देखने को मिलेंगे शाहरुख खान और उनके साथ नजर आएंगे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों पठान फिल्म को लेकर इस वक्त पूरे देश में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं और इस वक्त हर किसी को पता है कि भैया 25 जनवरी को पठान नाम का तूफान बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाला है। जहां एक तरफ शाहरुख खान के फैंस और बॉलीवुड के फैंस पठान फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पूरी तरह से बेताब है, वहीं कुछ लोग इस फिल्म का बेवजह बिना देखे बायकॉट कर रहे हैं। हालांकि बायकॉट करने वाले लोग काफी कम है, वहीं देखने वाले लोग काफी ज्यादा है। तो दोस्तों यहां पर पठान फिल्म जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने में समय बचा है सिर्फ 9 दिनों का, और इस फिल्म को देखने के लिए और इस फिल्म की टिकट बुक करने के लिए इंडियंस काफी तरह से बेचैन है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशी जो फैंस है शाहरुख खान के, उन्होंने अभी से ही इस फिल्म की टिकट बुक कर ली और वो लोग इस फिल्म को बहुत ही जल्दी देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पठान फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी तक हिंदुस्तान में तो शुरू नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही इस फिल्म की टिकटें पूरी तरह आग के जैसे बिक रही और इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही ओवरसीज मार्केट में काफी तगड़ी कमाई कर ली है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि पठान फिल्म पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो दमदार कमाई करेगी, साथ ही साथ विदेशों में भी यह फिल्म पूरी तरह से धूम मचा देगी। अगर बात करें दोस्तों कि पठान फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल कितनी बुकिंग की, तो दोस्तों आपको बता दें कि पठान फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में लगभग 6 करोड़ 38 लाख रुपए, जी हाँ दोस्तों फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से 6 करोड़ 38 लाख रुपए की शानदार एडवांस बुकिंग कर ली। आपको फिर से याद दिला दूं दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में 9 दिन बाकी है, और सोचिए कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होगी उसके पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों जिस तरह फिल्म को एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर यही कहूंगा कि पठान फिल्म पहले दिन दुनिया भर में मिनिमम 70 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है पठान फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।